सो एवरीवन कैन सी द स्क्रीन सर लास्ट स्लाइड आ सकता है क्या यस सर सॉरी यार लास्ट स्लाइड नहीं आ सकता है ओके सर यार वो बेटर किसी ने बनाया हो तो प्लीज शेयर कर दो नहीं तो आई विल शेयर ठीक है सर तो अब देखो नॉर्मली क्या होता है हाँ बोलो सर ये जो आपने अभी भी डायग्राम चलाया था क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो अंदर जो फिंगल एप्रोडक्शन थे वो विलाय थे क्या कि वो भी फिम्ब्रिया थे अरे नहीं वो विलाय नहीं है दैट इज नॉट अ विलाय दैट इज अ फिम्ब्रिय वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए उसका नाम फिम्ब्रिय रखा गया है ठीक है ओके ये जो अभी आपने डायग्राम लाया था ना उसके यूट्यूब के इनसाइड भी था वो इसलिए बोला रुको 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 ये हो गया अपना यूट्रस हो गया ठीक है ये वेजाइनल एरिया हो गया और ये जो हो गया ये क्या हो गया फेलोपियन ट्यूब हो गया ठीक है अब क्या होता है जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे ये जो है दिस इज अ फिम्ब्रिया दिस इज अ फिम्ब्रिया व्हाई इट इज कॉल्ड द फिम्ब्रिया एंड इट इज इट लुक्स लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ठीक है ओके सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट ऐसे अटैच होता है ठीक है तो इफ यू सी द ओवरी ओवरी में क्या होने वाला है ओव्यूलेशन होने वाला है क्या होने वाला है ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन होने वाला है तो व्हेन द ओव्यूलेशन टेक प्लेस ना तो ओव्यूलेशन में क्या होगा तो ओवम विल कम आउटसाइड ओवम क्या होगा ओवम विल कम आउटसाइड तो अगर ओवम रिलीज होगा कहां से ओवरी से तो उसको कोई कैप्चर करने वाला होना चाहिए ना तो हु विल कैप्चर दैट ओवम सो दैट ओवम इज कैप्चर्ड बाय दैट फिम्ब्रिया ठीक है और फिम्ब्रिया उसको कैप्चर करके ये कैसा होता है जैसे हाथ अपना नहीं होता ऐसे हाथ पकड़ता रहता है तो ये हमेशा ऐसा कंटिन्यूअस मोबाइल होता है और जैसे ही यहाँ से ओवम निकलता है दैट ओवम इज कैप्चर्ड बाय फिम्ब्रिया क्लियर है ओके यस ओके सो अब देखो अब जब हम लोग आते हैं कम टू द एकदम आउटर मोस्ट पार्ट सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज वेजाइनल पार्ट तो एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिया और ओवरी को वो बीच में छोटा सा पाइप जैसे कनेक्ट करता है ना उसको क्या बोलते हैं वो पाइप नहीं है दैट इज अ लिगामेंट ठीक है मैंने पाइप जैसे दिखाया दैट इज अ लिगामेंट क्या है लिगामेंट है ठीक है अच्छा तो वो लिगामेंट ओवरी से लेके जहाँ यूट्रस और वजाइना मिलते हैं वो वाली पॉइंट पे कनेक्ट है कि ऊपर नीचे कहीं भी देखो लिगामेंट जो होता है ना लिगामेंट एक ब्रॉड लिगामेंट होता है नेक एंड ब्रॉड लिगामेंट होता है उसमें ढेर सारे लिगामेंट होते हैं बस ये याद रखो लिगामेंट का काम है सब ऑर्गन को एक दूसरे से अटैच करना ठीक है बस ओके मतलब कि वो लिगामेंट है लिगामेंट क्या करेगा जो ओवरी है अभी ओवरी को अटैच रखना है ना उसके प्लेस पे नहीं तो ओवरी इधर उधर कहीं पर भी भाग सकती है तो उसको पकड़ने के लिए कौन है वहाँ पे लिगामेंट्स हैं ठीक है तो दीज आर द लिगामेंट्स अब मैंने 3D डायग्राम तो बनाया नहीं है जब आप 3D डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको बरोबर से लिगामेंट दिखाई देगा ठीक है वो जस्ट इंडिकेशन है और वो लिगामेंट के कोई अटैचमेंट का कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं है ना कहीं भी हो सकता है ना वो हाँ कहीं भी हो सकता है एक्चुअल में ना जो अलग अलग लिगामेंट्स हैं तो अलग अलग लिगामेंट्स के अलग अलग बॉर्डर होते हैं ठीक है अभी जैसे कि ब्रॉड लिगामेंट देखोगे तो ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस से अटैच होकर के फिर यहाँ पे ओवरी से अटैच होकर के फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहता है फिर मैकेंड्रॉट लिगामेंट होता है मैकेंड्रॉट लिगामेंट जो होता है वो ओवरी से अटैच होकर के इसे अटैच होगा क्या नाम है अपना ये यूट्रस से ही अटैच होगा तो अलग अलग लिगामेंट से अलग अलग जगह पे अटैच होते हैं तो आप लोगों को लिगामेंट्स के अटैचमेंट्स नहीं आते एग्जाम में ठीक है वो सब MBBS का पार्ट है क्लियर है ओके सो नाउ कम टू दी व्हेन यू सी द वजाइना फ्रॉम आउटसाइड हाउ इट लुक्स लाइक ठीक है तो it looks like something like this ठीक है so it is something almond shape okay so यहाँ का जो area होता है ठीक है ये area एकदम ऊपर का जो area होता है ठीक है so ये क्या है when you see the vaginal from outside there is a female genitalia ठीक है एक्सटर्नल साइड होता है फीमेल जेनिटेलिया ओके सो ये वाला जो पार्ट होता है सो दिस इज कॉल्ड एज दी जहाँ पे दैट इज द प्यूबिस होते हैं प्यूबिस इज द हेयरी पार्ट तो इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं क्या बोलते हैं दैट एरिया इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस दैट एरिया इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस क्लियर है ओके
फिर व्हेन यू सी द मॉन्स प्यूबिस ना, तो जहां से वेजाइनल ओपनिंग चालू होती है, मतलब ये चालू होता है वेस्टिब्यूल, यहाँ पे समथिंग कम आउटसाइड, ठीक है, तो दैट समथिंग कम आउटसाइड, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस. ये देखो, can you see this area, this part which come outside slightly, this is called from the mouth to this area, this is called the clitoris. ठीक है, so this is called the clitoris. सर उस एरिया को मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं? एक्चुअली जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो अंदर से ना होकर के बाहर से, अगर देखोगे जो प्यूबिस एरिया होता है, मतलब प्यूबिस सिम्फाइसिस, आप लोगों को सर ने ये पेल्विक बोन पढ़ाया होगा, पेल्विक बोन देखा है आप लोगों ने, तो पेल्विक बोन में सर ने पढ़ाया होगा, पेल्विक बोन इज डिवाइडेड इनटू, पेल्विक बोन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इलियम, ईशियम एंड मॉन्स एंड प्यूबिस, ठीक है, तो जो सर ने प्यूबिस का एरिया पढ़ाया होगा, तो प्यूबिस जो होता है एक दूसरे से आकर के आगे अटैच होते हैं, सर ने पढ़ाया होगा प्यूबिस सिम्फाइसिस, सो वो जो प्यूबिस सिम्फाइसिस का एरिया बनता है ना, तो उसके जस्ट इंटीरियर साइड में दैट एरिया इज अ हेयरी एरिया, ठीक है, विच इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस. और यही जहाँ जो ये वेजाइनल पार्ट है, इसका जो ऊपर का एरिया है, वहां पे मॉन्स प्यूबिस से एक पेनिस लाइक थिंग्स कम आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द क्लाइटोरियस, विच इज अ होमोजीनियस टू द पेनिस, विच इज होमोजीनियस टू पेनिस. क्लियर है? ओके, अब देखो. सो ये नहीं समझ रहा है. सुनो, ये जो है, सुनो, अभी मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को फीमेल जेनाइटेलिया पढ़ा रहा हूँ. क्या पढ़ा रहा हूँ? फीमेल जेनाइटेलिया. फिर फीमेल जेनाइटेलिया बाहर से कैसा दिखता है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है. अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो अंदर से कैसा होता है फीमेल जेनाइटेलिया, वो था. अब बाहर से कैसा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो फीमेल जेनाइटेलिया, इफ यू सी, इट लुक्स लाइक आलमंड शेप. ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस, और ऊपर वाले एरिया से समथिंग कम आउटसाइड, स्मॉल थिंग्स कम आउटसाइड लाइक दिस, दैट एरिया इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस, विच इज अ हाईली सेंसिटिव टू द एक्साइटमेंट. मतलब कि जो, मतलब कि बिफोर द ये बिफोर द क्वाइटस द थिंग्स इज ये ना, तो ये सब जो होता है दैट इज अ ड्यू टू द क्लाइटोरिस. तो क्लाइटोरिस इट इज अ सो सेंसिटिव एरिया इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर है? अब देखो, इसमें अब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पहले दिखाई देगा लेबिया मेजोरा. क्या दिखाई देगा? लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा, हाँ. तो ये जो आउटर मसल्स होती है, ये जो मसल्स है एकदम बाहर वाली, एकदम थिक लिप, ये कैसा है? दिस मसल इज लुक्स लाइक अ लिप लाइक, ठीक है. हेंस इट इज कॉल्ड लेबिया. लेबिया मतलब लिप. तो ये मसल किसके जैसा दिखाई देता है? लिप के जैसा दिखाई देता है. हेंस इट इज कॉल्ड एज लेबिया. तो जो आउटर मोस्ट मसल्स है, सो दैट मसल इज कॉल्ड एज लेबिया. क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा. सर क्या बोलते हैं? लेबिया. लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ. आप लोग मतलब कुछ चीज बोल दो तो ढूंढ देते हो, ठीक है. सो जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है चॉकलेटी कलर का जो मैंने बनाया है, तो ये क्या एरिया है? दिस इज अ आउटर मोस्ट मसल्स ऑफ वेस्टिब्यूल. दिस इज कॉल्ड एज द लेबिया मेजोरा. दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा. व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेबिया? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये जो लेबिया मेजोरा मसल्स है ना, इसके पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं. क्या होते हैं? इट हैज हेयर फॉलिकल्स, ठीक है. तो यहाँ पे आपको हेयर फॉलिकल्स दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आपको हेयर्स दिखाई देंगे ऐसे. सो दैट वजाइना इज कवर्ड विद, दिस इज अ हेयर. सो आउटर सरफेस, आउटर सरफेस. तो आउटर सरफेस में द एरिया व्हिच कंटेन हेयर फॉलिकल्स विद द हेयर, सो दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा. तो दिस इज लेबिया मेजोरा. क्लियर है? ओके, अब उसके अंदर, मतलब कि व्हेन यू ओपन द लेबिया मेजोरा, तो आपको एक पिंकिश स्किन दिखेगा. कैसा स्किन दिखेगा? पिंकिश स्किन दिखेगा, एंड दैट पिंकिश स्किन इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. पिंकिश स्किन को क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा, ठीक है. सो ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ.
तो यहाँ पे आपको कैन यू सी दिस इज अ रेड पार्ट. सो ये जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के पास हेयर फॉलिकल्स नहीं होते हैं. तो आपको लेबिया मेजोरा में हेयर दिखेंगे पर आपको लेबिया माइनोरा में हेयर नहीं दिखेगा. सो दिस इज लेबिया माइनोरा. तो हु हैज मसल मतलब हेयर फॉलिकल्स? ओनली लेबिया मेजोरा है हेयर फॉलिकल्स. तो वहां पे आपको हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे. ये जो रेड पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. क्या बोलते हैं इसको? लेबिया माइनोरा. हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. सो ये माइनोरा इंटरनल पार्ट है. माइनोरा जो है सबसे ऊपर कौन है? लेबिया मेजोरा. तो लेबिया मेजोरा के पास क्या है? हेयर फॉलिकल्स है. तो हाँ, तो जैसे ही लेबिया मेजोरा को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो अंदर पिंकिश स्किन दिखाई देगा. सो दैट पिंकिश स्किन विच डू नॉट हैव हेयर फॉलिकल्स, सो दैट पिंकिश स्किन इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. क्या बोलते हैं इसको? लेबिया लेबिया माइनोरा. और वो तब दिखेगा जब लेबिया मेजोरा को कट करेंगे ना. हाँ, तो जब लेबिया मेजोरा है ना, उसको फिंगर से स्प्लिट करेंगे, देन यू विल सी दी लेबिया माइनोरा. ठीक है. अब लेबिया माइनोरा के जब अंदर देख जाओगे तो आपको दो ओपनिंग दिखाई देगी. यू विल सी देयर आर टू ओपनिंग. सो देयर इज अ फर्स्ट ओपनिंग एंड देयर इज अ सेकंड ओपनिंग. ठीक है. सो जो ऊपर वाली ओपनिंग है, दिस ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग. So this is called as the urethral opening. This is called as urethral opening. ठीक है. Which is this opening is for urine. This opening is for urine. This opening is for urine. Right. हाँ. The upper opening ना. हाँ, the upper opening is for urethral opening. That is for urine. अब ये जो नीचे वाला ओपनिंग आपको दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द वेजाइनल ओपनिंग. दैट इज कॉल्ड एज वेजाइनल ओपनिंग. वेजाइनल ओपनिंग. ठीक है. इफ यू सी द वेजाइनल ओपनिंग, सो दैट वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड विथ अ पिंकिश स्किन. ठीक है. इट इज कवर्ड विथ इनसाइड सर. It is covered with pinkish small opening. So it is a very thin layer of the membrane. ठीक है. So that cover this ठीक है. Vaginal opening is comparatively bigger than urethral opening. Yes. ठीक है. और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग कैन यू सी इट इज कवर्ड विथ अ रेड कलर और द पिंकिश मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड द हाइमेन. दैट एरिया इज कॉल्ड एज हाइमेन इन द इनर पार्ट ना. हाँ, हाइमेन. ठीक है. ये पूरा का पूरा जो लेबिया भाई अपना जो पूरा का पूरा वेजाइनल ओपनिंग है ना, ये कवर होता है किससे? कवर होता है हाइमेन से. कवर होता है किससे? कवर होता है हाइमेन से. ठीक है. क्लियर है. अब देखो, व्हेन यू सी द फीमेल जेनिटेलिया फ्रॉम आउटसाइड, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले पूरा आपको हेयरी हेयरी दिखेगा. सो हेयरी हेयरी मतलब कि दैट हेयरी फॉलिकल्स. हाँ, तो हेयरी फॉलिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? अपना लेबिया मेजोरा पे. मेजोरा. ठीक है. तो लेबिया मेजोरा सबसे पहले आपको लेबिया मेजोरा दिखाई. जैसे ही आपने लेबिया मेजोरा को स्प्लिट किया तो आपको पिंकिश पिंकिश स्किन दिखेगा और मसल दिखेंगे. उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेनोरा. तो लेबिया मेनोरा के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग. तो यूरेथ्रल ओपनिंग इज द ओपनिंग फॉर यूरिन एंड एंड देयर इज द वेजाइनल ओपनिंग. दैट वेजाइनल ओपनिंग हेल्प्स इन मेंस्ट्रुएशन.
ठीक है, दैट हेल्प्स इन द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन एंड सेकंड इफ यू सी इट आल्सो हेल्प्स इन व्हाट पार्चुरेशन, ठीक है पार्चुरेशन ओके। अब देखो क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा ओपनिंग दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। तो आप समझ में आया, आप लोग जिसको हम लोग वेजाइना समझते हैं दैट इज नॉट अ वेजाइना, दैट इज वेस्टिब्यूल, ठीक है। और जो वेजाइना है वो आपको बाहर से दिखाई देगा क्या? नो, नो, यू कैन नॉट सी द वेजाइना फ्रॉम आउटसाइड, यू कैन नॉट सी वेजाइना फ्रॉम आउटसाइड, क्लियर है? मतलब ये टोटल वेस्टिब्यूल है। हाँ, ये टोटल वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल में आपको जहां से ऊपर मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस को थोड़ा सा नीचे आओगे तो थोड़ा सा छोटा सा टिश्यू होता है, दैट टिश्यू कम आउटसाइड विच इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज हाईली सेंसिटिव फॉर सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है, इट इज हाईली सेंसिटिव फॉर सेक्सुअल। सर आपने बता दी ये पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है करके। हाँ, तो पेनिस लाइक स्ट्रक्चर बोला ना, ये इसका फंक्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ पेनिस, ठीक है। सो दैट क्लाइटोरिस इज व्हाट, क्लाइटोरिस इज अ पेनिस लाइक स्ट्रक्चर। पेनिस लाइक स्ट्रक्चर मतलब पेनिस कितना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है टिश्यू, सो विच इज अ होमोलोगस टू द पेनिस, ऐसा बोला जाता है। अभी जैसे यहाँ पे लेबिया मेजोरा है तो सब कुछ लेबिया मेजोरा के अंदर आता है ना, तो लेबिया मेजोरा इज अ होमोलोगस टू स्क्रोटम, इट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। स्क्रोटम ऐसा नहीं है बट इट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। तो ऐसा कभी कभी एग्जाम में आता है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का क्वेश्चन है, आप लोगों का नहीं है, ठीक है, जस्ट आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस किसके जैसा दिखता है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे स्क्रोटम कहाँ से आ गया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो। पार्चुरेशन मीनिंग सर? पार्चुरेशन मीन्स व्हाट, दैट इज द डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी of baby is called the parturition। और सर हाइमेन का त्रिकोण बताइए ना सर। देखो क्या है, जो वेजाइनल ओपनिंग है ना, ये वेजाइनल ओपनिंग खुला नहीं रहता है, दैट वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द हाइमेन, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि व्हेन फीमेल है फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स और द फर्स्ट टाइम कोइटस, तो फर्स्ट कोइटस के टाइम पे क्या होता है, Either ये जो हाइमेन है तो हाइमेन विल रप्चर, तो when the hymen will rupture तो it causes bleeding, ठीक है। फिर अब क्या हुआ था, बीच में ऐसा आया हुआ था कि मतलब कि अपने पार्लियामेंट ने एक रूल निकाला था, वो रूल ऐसा था कि पार्लियामेंट ने क्या बोला, पार्लियामेंट ने बोला कि मतलब कि जो भी कपल है वो कपल जब मैरिड होगा, मतलब जिसकी शादी होने वाली है, उन लोगों का क्या होगा, गायनेकोलॉजिकल चेकअप होगा। तो गायनेकोलॉजिकल जब चेकअप चालू किया था गवर्नमेंट ने, तो उस समय पे क्या हुआ, लोग क्या हुआ, मतलब कि नाउ पीपल आवर सोसाइटी व्हाट थिंक, आवर सोसाइटी थिंक्स दैट दैट हाइमेन इज व्हाट, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। तो उन लोग क्या करने लगे, हाइमेन को वर्जिनिटी का एक इंडिकेशन मानने लगे। तो क्या होता था, जब भी किसी की शादी होती थी, लड़कों में वर्जिनिटी देखने का तो कोई वो नहीं है, तो फीमेल का बार बार वर्जिनिटी चेक किया जाता था, ठीक है, विच इज अ रॉन्ग, ठीक है, विच इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को वो लॉ को विदड्रॉ करना पड़ा, तो इसलिए उसने उसको विदड्रॉ कर लिया। बिकॉज इफ यू सी द हाइमेन, हाइमेन में रप्चर ड्यू टू हॉर्स राइडिंग, ठीक है, हॉर्स राइडिंग के टाइम पे भी हाइमेन रप्चर होता है, ठीक है, और उसके बाद जंपिंग के टाइम पे भी होता है, साइकिलिंग के टाइम पे भी होता है, तो ये सब टाइम पे भी हाइमेन रप्चर होता है, ठीक है। अब जो फीमेल्स इस सब गेम्स में इन्वॉल्व है, उनका अगर हाइमेन रप्चर हुआ है एंड यू से दैट कि दैट इज द देयर इज अ लॉस ऑफ वर्जिनिटी, सो दैट इज नॉट राइट, ठीक है, एंड इट इज आल्सो कॉज द व्हाट, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको फिर बंद कर दिया। क्लियर है, चले आगे। यस सर, एवरीवन सर, वन मिनट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। Done, sir. Everyone? चले आगे? Sir, one minute. Okay. Sir, ये हाइमेन के बाद ब्लीडिंग क्यों लिखा है?
ये हाइमेन का मैं ये लिखा हूँ, हाइमेन इज व्हाट फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम पे क्या होता है, व्हेन द हाइमेन इज रप्चर, तो व्हेन हाइमेन इज रप्चर सो देयर इज अ ब्लीडिंग टेक प्लेस। तो ब्लीडिंग क्यों होती है? अरे क्या है हाइमेन, क्या है हाइमेन इज अ मेम्ब्रेन ना। यस सर। तो हाइमेन है सर, सीपस क्या होता है? हां क्वार्टर्स, क्वार्टर्स क्वार्टर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, कल लास्ट लेक्चर में बताया था मैं आप लोगों को, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज आल्सो कॉल्ड द क्वार्टर्स। ओके डन। यस ठीक है। सो अब देखो, अब लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया मेजोरा हैविंग अ टू फोल्ड्स, ठीक है, व्हिच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ वुल्वा एंड दे आर व्हाट होमोलोगस टू स्क्रोटम टू मेल, ठीक है, ये किसके होमोलोगस हैं, दीज आर होमोलोगस टू स्क्रोटम, ठीक है, लिख लो नहीं तो एग्जाम में अगर मान लो आ गया तो, ठीक है, दैट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। फिर उसके बाद आ जाओगे लेबिया मेनोरा, लेबिया मेनोरा क्या होता है, इट इज अ स्मॉल थिन लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज प्रेजेंट जस्ट इन साइड द लेबिया मेजोरा, क्लियर है। Yes. And if you see that labia minora is fused with what labia majora to form porchite. तो जहाँ पे इन लोग एक दूसरे से मिलते हैं labia majora and labia minora, वो वाला जो area है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is the porchite, क्या बोलते हैं, that area is called as for the area या layer होगा। नहीं नहीं, ये labia majora है और ये लेबिया माइनोरा है, तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जहाँ पे फ्यूज होते हैं तो वो जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्चेट, ठीक है। नाउ कम टू द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस क्या है, दैट इज व्हाट मॉन्स प्यूबिस इज दैट एलिवेशन, ठीक है, इट इज अ एलिवेशन टू द एंटीरियर, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट, कौन सा पार्ट बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, और ये वाला जो पार्ट बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है सर। इस पोस्टीरियर पार्ट का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है? नहीं नहीं, उसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको ऊपर मतलब अबो एंड डाउन दिखाई देगा, पर इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो जो मॉन्स क्यूबिस है, मॉन्स क्यूबिस कहाँ पे है, एंटीरियरली है, और फॉर्चेटे किधर है, पोस्टीरियर है, ठीक है। फॉर्चेटे इज अ एरिया वेयर द labia minora is fused with labia majora. Okay. And sir, so, posterior and anterior part भी वापस repeat कीजिए। सुनो, जो ये mons pubis का area है ना, तो अभी जैसे कि if you see the female, when you see the delivery, अभी delivery के time पे कोई female है, ठीक है, तो female को कौन सा position देते हैं delivery के time पे, that position is called as कुछ अच्छा नाम, sleeping. नहीं नहीं, स्लीपिंग उसका कुछ तो नाम, लिथोटॉमी पोजीशन, क्या काम है उसका, दैट पोजीशन इज कॉल्ड द लिथोटॉमी, लिथोटॉमी, ठीक है। सो अगर आप ये देखोगे तो लिथोटॉमी पोजीशन में व्हेन द फीमेल इज देयर, सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है मॉन्स प्यूबिस का, तो उसको हम लोग एंटेरियर बोलते हैं, एंटेरियर पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटेरियर पार्ट में आपको एक फ्लैसी ये दिखेगा, एलिवेशन दिखेगा, सो दैट फ्लैसी एलिवेशन इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस, और मॉन्स प्यूबिस के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको मतलब पेनिस लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच फॉर्म, व्हिच इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है, क्लाइटोरिस इज नथिंग बट इट इज अ वेरी स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन दैट लाइन एंटीरियर टू मॉन्स प्यूबिस, दैट लाइन एंटीरियर टू मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। और ये किसके जैसा है, इट इज अ होमोलोगस टू पेनिस, पेनिस, या तो इट इज अ होमोलोगस टू पेनिस। हेलो सर। हाँ बोलो। सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया, आप वापस रिपीट कर दोगे? कहाँ से? पोस्टीरियर एंड एंटीरियर वाला पार्ट पूछा था ना मैंने। ओके, सो दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट हो गया और ये एंटीरियर पार्ट हो गया, तो एंटीरियर में आपको क्या, वही क्या था? हाँ, तो एंटीरियर में आपको क्या दिखाई दे रहा, मॉन्स क्यूबिस दिखाई दे रहा। इफ यू सी, इफ यू कम डाउन, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट वेयर द लेबिया मेजोरा इज फ्यूज्ड विद लेबिया माइनोरा, सो दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्चेटे, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्चेटे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इफ यू सी द एंटीरियर पार्ट, एट द एंटीरियर पार्ट देयर कैन यू सी द सम एलिवेशंस आर देयर, दैट एलिवेशन इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस, क्या बोलते हैं एलिवेशन को, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस।
जैसे ही आप डेट एलिवेशन के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको पेनिस लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि देयर इज अ स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन दिखाई देगा. सो दैट स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस, ठीक है. एंड विच इज द होमोलोगस टू पेनिस, दिस इज होमोलोगस टू पेनिस, ठीक है. उसके बाद आपको जो ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल. क्या बोलते हैं इस एरिया को? वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल, ठीक है. एंड देयर इज अ हाइमेन, मतलब कि हाइमेन क्या है? हाइमेन इज अ मेम्ब्रेनस कवरिंग विच कवर द वजाइनल ओपनिंग, विच कवर द वजाइनल ओपनिंग. और हाँ, और जैसे मेल में कौन सा ग्लैंड होता है? काउपर्स ग्लैंड होता है. वैसे फीमेल में भी दो ग्लैंड होते हैं. वो ग्लैंड के नाम क्या है? वेस्टिबुलर ग्लैंड और दी बार्थोलिन ग्लैंड. क्या नाम है? वेस्टिबुलर और बार्थोलिन ग्लैंड. हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसे 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 छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं, विच इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है. और इसी को क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड. क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार्थोलिन ग्लैंड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बार्थोलिन ग्लैंड. वेयर आर दे प्रेजेंट एग्जैक्टली? दे आर प्रेजेंट एट द व्हाट? वॉल ऑफ, मतलब वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होते हैं. तो बार्थोलिन है कि लेम है? बार्थोलिन, एक्चुअली ये टाइपिंग का टाइप ही होता है. बार्थोलिन है, ये एन नहीं है, एन है, एन है, एन है, ठीक है. बार्थोलिन है, ठीक है. ओके, सो यू नो दैट अ वजाइनल ओपनिंग इज फॉर व्हाट? दैट इज फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड दैट यूरेथरल ओपनिंग इज फॉर यूरिन, दैट इज एस्क्रेटरी सिस्टम, ठीक है. इट इज रिलेटेड टू एस्क्रेटरी सिस्टम. तो एक चीज समझ में आया कि यूरेथ्रल ओपनिंग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई भी लेना देना नहीं है. किसमें? फीमेल में. ओके, तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये किसका होमोलोगस है? इट इज अ होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड. गुड, इट इज होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड. अगर इट इज अ होमोलोगस टू द काउपर्स ग्लैंड है तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट अपना बार्थोलिन ग्लैंड? इट सीक्रेट्स द some alkaline fluid which helps in lubrication, ठीक है. It secretes some alkaline fluid which is helps in the lubrication. Okay, done. So आपने वो penis के बारे में क्या बताया था? मैंने बताया था the female का जो मॉन्स प्यूबिस है उसके थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट में इफ यू सी देयर इज अ स्मॉल इरेक्टाइल टिश्यू इज देयर. सो दैट स्मॉल इरेक्टाइल टिश्यू विच इज अ हाईली सेंसिटिव फॉर द सेक्सुअल एक्साइटमेंट दैट इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस. एंड दैट क्लाइटोरिस इज अ होमोलोगस टू पेनिस इन अ मेल. ओके, क्लियर है? जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. फिर वो मिटाने बाद फिर बनने वाला नहीं है. चले सर, आपने हाइमन के पास वो ब्लीडिंग क्यों लिखा है? वो तो नीचे ब्लीडिंग. मैंने ये लिखा हुआ है कि क्या होता है व्हेन देयर इज अ फर्स्ट कोइटस, मतलब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे द हाइमन विल रप्चर and there is a bleeding take place. फिर क्या हुआ बाद में? लोग क्या समझने लगे that hymen is a indication for virginity. बाद में पता चला कि the female who is involved in horse riding, jumping, cycling, running, तो उस time पे भी hymen rupture होता है. और hymen rupture होने के कारण क्या होता है? Bleeding होता है. Okay? Okay. And sir, आपने वो urine excretory के ऊपर क्या लिखा है? अरे मैंने लिखा है कि when there is a delivery take place ना, तो female क्या करती है? female सो जाती है और अपना पैर ऊपर कर लेती है. तो that position is called the lithotomy. What position? Lithotomy. L I T H O M T O M Y. Lithotomy. Okay sir. Okay. Done. Yes. Down.
हाँ अभी आप लोग कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा कुछ जानने की इच्छा है, जो बहुत ही ज्यादा जानने की इच्छा है वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जानना, यहाँ पे जानने के लिए जितना था मैंने सफिशियंट बता दिया आप लोगों को, ठीक है। ओके सो हियर इफ यू सी दैट इज अ फीमेल जेनिटेलिया, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज यूटरस, ठीक है, ये क्या है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब and this is ovary, this is ovary, this is vaginal trunk, vagina, and this is vaginal opening, this is vaginal opening, okay, and this area is called as cervix. फिर cervix में दो होते हैं, internal OS and external OS, ठीक है, okay. So नीचे वाला अगर आप diagram देखोगे तो if you see the diagram, तो diagram में आपको तीन दिखाई दे रहा है, endometrium, myometrium and perimetrium. Can you see the cervix? Here yes. You can see the cervical canal or the cervix canal. Female में सबसे ज्यादा जो cancer होता है that is a cervical cancer or the cervical cancer. ठीक है. So this is a vagina. ठीक है. And if you see the fallopian tube have four parts: stomach, ampulla, infundibulum and fimbria. And here if you see that this is the ovary and this is the uterine fundus and this is the uterine cavity. And it is also called as the what? Body of uterus. It is also called as body of uterus. Okay. So this is the accessory duct. Okay. The accessory duct mein kya hai? There is a two oviduct, that is the fallopian tube and uterus and the vagina. So female mein kya hota? Normally the female who is involved in a what? That is the prostitution. So prostitution ke time pe kya hota hai? Jo female is involved in that. तो ये जो सर्विक्स होता है ना, तो सर्विक्स इज मल्टीपल टाइम दैट वी कम इन कॉन्टैक्ट विथ पेनिस, ठीक है, तो व्हेन इट इज कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद द पेनिस, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सर्विक्स होता है तो सर्विक्स में क्या होता है, उंड फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, उंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उंड फॉर्मेशन जो होता है, तो उंड फॉर्मेशन को हील करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, but the female who is involved in the prostitution, so they cannot give the time for the cervix to heal the wound. So un log kya hota hai, continuously they are involving in the what, prostitution, for that they are maximum suffering from the cervical cancer. Prostitution kya hai? Prostitution means the female who is involved in what, sex racket, matlab jo areas hote hai na, to they are the jo aisa red light area, that is for the red light area in sense. क्लियर है, तो उसकी वजह से, इसलिए अगर आप देखोगे द फीमेल्स हु इज इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ द बिजनेस ना, तो वहां पे एचआईवी, सर्वाइकल कैंसर, ये सब एचपीवी ज्यादातर उन्हीं लोगों को होता है ना, हाँ उन्हीं लोगों में ज्यादा से ज्यादा कैंसर के, अभी देखो किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया तो जिंदगी भर क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू द जॉब ना, उनका जॉब भी चला जाता है, प्लस उनकी कोई फैमिली भी नहीं होती है, तो उनका सोशियो इकोनॉमिकल जो कंडीशन होता है, इट बिकम सो पुअर, ओके, चले आगे, ओके, चलो चलते हैं, सो नाउ कम टू द ओविडक्ट, व्हेन यू कम टू द ओविडक्ट, तो व्हाट यू नो अबाउट द ओविडक्ट, बोलो, बताया हूं, कंटेन सीलिएटेड एपिथेलियम, इट हैज थ्री पार्ट्स, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ओविडक्ट, इट कनेक्ट्स द ओवरी टू द यूट्रस, ओके, सो हियर इफ यू सी द ओविडक्ट, ओके, सो इट इज व्हाट ओविडक्ट एंड द लेंथ इज व्हाट 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट हैज थ्री पार्ट दिया है, पर फोर पार्ट होता है क्योंकि इसने इन्फेंट्रिया फिम्ब्रिया को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, तो इट हैज थ्री फोर पार्ट, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, स्टमस एंड फिम्ब्रिया, ओके, सो इफ यू सी द इन्फंडिबुलम इज अ फनल शेप ओपनिंग विथ अ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द फिम्ब्रिया, इट हेल्प्स इन अ कलेक्ट द ओवम, ये मैंने अभी आपको बताया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिया, टू कलेक्ट द ओवम, so if you see the ampulla is क्यों बोला गया, because it is a most dilated part,
dilated. Dilated part of oviduct. ठीक है, which is also called the wider part. And if you see the isthmus, isthmus is the narrowmost part of the fallopian tube, and it is joined to the uterus. The ciliated epithelium is lined in the lumen of oviduct that drive the ovum towards the uterus. तो देखो यहाँ पे सबसे important चीज क्या है? जो oviduct होता है, तो oviduct में क्या है? कौन सा epithelium है? Ciliated. Ciliated. ये देखो अगर ये oviduct है, ठीक है, ये oviduct है, तो oviduct में जो ये होता है अपना cells होते हैं, ठीक है, तो इसमें ciliated epithelium होता है. क्या होता है? ciliated epithelium. हाँ, तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब these are the ciliated epithelium. तो you know what is the function of cilia? To move things. To move the particles. तो यहाँ पे जो cilia ये है, अब देखो यहाँ पे क्या है, this is the ovum, ठीक है, ovary. तो ovary से क्या निकलने वाला